हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कैसे करते हैं तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो परिवर्तन होता है या जो बदलाव होता है उसको समझने के लिए आप पहले ये टेबल देखिए इस टेबल में यहाँ पे लिख रखा है रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिख रखा है टेंस चेंजेस तो रिपोर्टिंग वर्ब के नीचे लिख रखा है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ठीक है और टेंस चेंजेस के नीचे लिख रखा है नो यस और नो तो इसका क्या मतलब है तो इसको आपको ऐसे समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा ठीक है यहाँ पे नो लिख रखा है तो इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा इसके अतिरिक्त अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पाँच टेंस में है ठीक है पाँच टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ठीक है यहाँ पे लिख रखा है ना यस yes. तो इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे तो इस तरह से हम हमें यहाँ पर यह चीज़ समझ में आती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसमें चेंज होगा कि नहीं होगा ये चीज़ पूरी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर जब आप आओ ठीक है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय जब आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस पर जब आप आओ तो आपको क्या देखना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा जैसे पहला एग्जाम्पल है ही सेज़ आई हैव रिटन ए लेटर तो यहाँ पर आई हैव रिटन ए लेटर रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पर हैव रिटन टेंस है ठीक तो है तो यहाँ पर देखिए ये हैव रिटन है ये इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने इस सेंटेंस को चेंज किया तो यहाँ पे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट टेंस में है तो ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट ही रहा है ये ठीक है इसमें कोई बदलाव नहीं आया है यहाँ पे हैव रिटर्न था यहाँ पे हैज रिटर्न है तो टेंस वही है कभी आप ये समझो कि यहाँ हैव था तो यहाँ हैज हो गया टेंस वही है बस ये यह हैव यहाँ पर इसलिए था क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था यहाँ पर ये यह आई है आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तो वो ही हो गया तो ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं यहाँ पर हैव और हैज़ दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट ही यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट ही यहाँ है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में थी तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ अभी सेंटेंस में देखिए ही विल से टू मी आई हैव रिटन ए लेटर अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है विल से फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हैव रिटन इसमें देखिए फिर कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पर हैज़ रिटन ही लिखा हुआ है तो इस तरह से जब हम ये पाते हैं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को लेते हैं ही सेज मोहन किल्स से स्नेक तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जब इस सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही सेज़ मोहन किलडे स्नेक तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है यहाँ पर जो हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पर देखिए किल्ड ठीक है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो की सेकंड फॉर्म ही है यहाँ पे उसके बाद ये देखिए ये सेंटेंस ही सेज़ मोहन विल किल स्नेक तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस था लेकिन रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने इस सेंटेंस को चेंज किया तो यहाँ विल किल का विल किल ही है मतलब फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस ही है ठीक है तो इस तरह से जब भी आपको दिखे कि रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे ही विल से शशि इज नेवर लेट तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्क फ्यूचर टेंस में है जब हमने इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पे देखिए टेंस में कोई बदलाव नहीं आया यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही विल से शशि वाज नेवर लेट तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्क जो है फ्यूचर टेंस में थी जब हमने इस सेंटेंस को इंडायर स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पे देखिए टेंस में कोई बदलाव नहीं है यहाँ पे वाज था तो यहाँ पर भी वाज ही है नेक्स्ट है ही विल से ही विल नेवर बी लेट तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस पर रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में थी जब हमने इस सेंटेंस को इंडाइर्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पर देखिए विल नेवर ठीक है ना विल है यहाँ पर तो यहाँ पर भी विल ही है तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पाँच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पाँच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कब नहीं बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पाँच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब बदलेगा तो कैसे बदलेगा वो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है तो आपको इसको कैसे समझना है देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब पांच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऐसे बदलना है रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो उसका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वो टेंस बन, बन जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस ठीक है अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट और अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिपोर्टेड स्पीच में तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसके अलावा सेल का शूट हो जाएगा विल का वुड में का माइट और कैन का कुड तो आपको थोड़ा इजी समझाने के लिए मतलब थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको यहां पर एक तरीका बताता हूं देखिए इन टेंसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा कि आप चारों जो टेंस हैं प्रेजेंट के वो एक साइड लिख लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट के चारों पार्ट लिखे हुए हैं ठीक है यहाँ पर इससे ऊपर ये पास्ट इंडेफिनेट है ना इससे ऊपर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये यहाँ पे सीरीज में लिख लीजिए ठीक इसके सामने पास्ट के लिख लीजिए पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है इस तरह से समझना थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा ईजी हो जाएगा फिर आपको क्या करना है ठीक इसके सामने वाले जो ये टेंस है मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें इनमें से कोई टेंस है तो वो ठीक इनके सामने वालों में चेंज हो जाएगा जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पांच कॉन्टिनस प्रेजेंट परफेक्ट है तो पांच परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पाँच परफेक्ट कॉन्टिनस इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनेट ठीक है वो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं देखिए यहाँ पर देख लीजिए चाहे चाहे तो इसको अलग से याद कर लीजिए चाहे यहीं पर देख लीजिए जब आप ये लिख लेंगे ये चार टेंस लिख लेंगे प्रेजेंट और इसके सामने पास्ट के तो फिर यही में समझ जाओगे आप इसमें क्या करना देखिए जो पास्ट इंडेफिनेट है उसको आपको तीसरे में बदल देना है याद भी रह जाएगा यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो फर्स्ट है ये पास्ट इंडेफिनेट ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा ठीक है तीसरे में और जो दूसरा है पास्ट कॉन्टीन्यूस ये बन जाएगा चौथे में पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में ये यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है थोड़ा याद करना आसान हो जाता है ये नहीं तो इतने सारे जब या कोई छोटा बच्चा होगा या मान लीजिए कोई सिक्स सेवंथ एट्थ का बच्चा होगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो थोड़ा तरीका होता है याद करने का तो आप उसको इस तरह से समझा सकते हैं कि भाई ये तरीका वो लिख करके देख ले उसके अलावा सेल का शूट विल का वुड मे का माइट और कैन का कुट हो जाता है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ सेल का शूट हमेशा नहीं होता है ठीक है वो कैसे नहीं होता है वो हम जब इंटारोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटारोगेटिव सेंटेंस आएंगे और जब उनको चेंज करेंगे तो वहाँ पे ये सीख लेंगे विल का हमेशा वुड ही होता है ठीक है शैल का शुड कई बार होता है कई बार शैल का वुड भी हमें करना पड़ता है ठीक है वो तो मैं आपको अभी बता दूंगा इसी वीडियो में तो ये चीज़ें हैं जब आपको टेंस चेंज करना हो तो आपको ऐसे टेंस चेंज करने हैं सबसे पहले तो ये देखना है कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ठीक है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा सबसे पहले तो यही देखना है आपको और ये कैसे पता लगाएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा या कब नहीं होगा तो ये मैंने आपको बता ही दिया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ये चीज़ पूरी तरह से रिपोर्टिंग वर्क पे डिपेंड करती है अगर रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के हाथ मत लगाना जैसा टेंस है वैसा ही लिख देना लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा ठीक है कब नहीं बदलता है वो भी हम देखेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कई बार क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पाँच टेंस में होती है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है तो कब नहीं बदलता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेकिन फिलहाल आप यही याद रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पाँच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बदलना है और कब बदल कैसे बदलना है फिर फिर वो ऐसे बदलना है ठीक है पहले तो क्या देखना है पहले तो ये देखना है कि टेंस रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा कि नहीं बदलेगा पहले तो ये डिसाइड करना है इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा अब वो कैसे बदलेगा वो यहाँ पर आप देख रहे हैं ठीक है ऐसे बदलेगा अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो यहाँ पर देखिए ही सैड मोहन राइट्स से लेटर अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पांच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा जब हम इस सेंटेंस को इंडायरेट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमने इस सेंटेंस को जब इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पर देखिए राइट का रोट हो गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट था पाँच इंडेफिनेट में हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पाँच टेंस में थी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है रिपोर्टिंग और पांच टेंस में तो जब रिपोर्टिंग और पांच टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है अब बदलता है तो कैसे बदलता है पहले तो हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है तो ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो ये किस में बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में ठीक है तो हम इसका जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस तो यहाँ पे देखिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया इसका एम डूइंग का वाज डूइंग हो गया नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पांच टेंस में है ठीक है तो जब हम इस सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा पांच परफेक्ट तो ये देखिए पांच परफेक्ट हमने कर दिया यहाँ पे हैड रिटन उसके बाद देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो तो उसको कैसे उसको किस में बदलते हैं पांच परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में लेकिन कब बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पांच टेंस में होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले देखना है तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पांच टेंस में है तो जब इस सेंटेंस को स्पीच में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है वो क्या बन जाएगा पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो यहाँ पे हैज बीन स्लीपिंग का क्या हो गया हैड बीन स्लीपिंग तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करो और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय जब आप report, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर जब आओ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा सबसे पहले तो यही देखना है जैसे हम यहाँ आ गए देखिए आई का हमने क्या किया आई को फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया तो इसका ही हो गया अब हम आगे टेंस पे जैसे एम डूइंग मतलब टेंस पे आ गए ना तो हमने टेंस को बदलने से पहले चेंज करने से पहले एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेना है रिपोर्टिंग वर्ब पाँच टेंस में है तो हाँ अब ये बदल जाएगा अब कैसे बदलेगा ये आगे की बात है ठीक है तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो हमें याद होगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पांच कॉन्टिन्यूस में बदलता है तो हम बदल देंगे पांच कॉन्टिन्यूस लिख देंगे इसमें ठीक है इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो आई को हमने ही में चेंज कर दिया उसके बाद हम हैव रिटन पे जब आएंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा क्योंकि टेंस पे आ गए हैं अब हम अब हम टेंस पे आ गए हैं तो पहले ये देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा इसके लिए क्या देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये टेंस बदल जाएगा अब बदल जाएगा तो हमें याद होना चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है पास्ट परफेक्ट तो हमने यहाँ पे लिख दिया पास्ट परफेक्ट ठीक है तो इस तरह से सबसे पहले हमें डिसाइड करना है देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा उसके बाद देखिए ये सेंटेंस ही सैड टू वर्स द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में देखिए पाँच डिफिनेट टेंस है तो जब हम यहाँ पर इस सेंटेंस को चेंज करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच को हमने चेंज किया सबसे पहले तो कॉमा यूड कोमा को हटा के दैट लगाया उसके बाद द पुलिस द पुलिस नाउन है तो चेंज नहीं होगा ये उसके बाद हम आगे टेंस पे डिड नॉट अरेस्ट टेंस पे आ गए अब टेंस पे आ गए तो इसको चेंज करने से पहले एक बार हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे ऐसे नहीं है कि हमें सीधा ही चेंज कर देना है कई बार क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी आप चेंज कर दोगे इस गलत हो जाएगा तो हमेशा ये आदत बना लो कि जब टेंस पे आ जाओ रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय तो टेंस को चेंज करने से पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को जरूर देखना है अब यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो अब ये चेंज हो जाएगा अब पास्ट इंडेफिन है तो पास्ट डेफिनेट किस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में तो यहाँ पे देखिए हैड नॉट अरेस्टेड पास्ट परफेक्ट हमने इसको बना दिया नेक्स्ट सेंटेंस पे देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच में पाँच कॉन्टीन्यूस टेंस है तो इसको जब हम बदलेंगे तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है पाँच टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टीन्यूस चेंज होता है पांच परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में तो ये पाँच परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना दिया हमने यहाँ पे हैड हेडविन सिंगिंग नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कमल सेट टू मी आई सेल सिंग ए सॉन्ग तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में शैल तो इसका क्या हो जाना चाहिए शैल का शूट हो जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है जब हमने इस सेंटेंस को इंडराइट स्पीच में चेंज किया तो देखिए आई को हमने कर दिया ही क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग और कोई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई का तो ही हो जाएगा उसके बाद देखिए शैल का वुड लिख दिया हमने यहाँ पर तो आपको हमेशा शैल का शुड नहीं लिखना है ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर देखिए आई के साथ तो शैल लगता आई के साथ तो सेल है यहाँ पे लेकिन क्या है कि यहाँ पे आई का ही हो गया अब ही के साथ क्या लगता है सेल तो लगता नहीं है विल लगता है तो हम विल का वुड करना है फिर यहाँ पे भले ही जो है रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन स्पीच में जो सेंटेंस है उसकी रिपोर्टेड स्पीच में भले ही शैल हो लेकिन क्योंकि अब इसका जो सब्जेक्ट ये भी चेंज हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सरल सेड सुधीरी विल बी रीडिंग ए बुक तो यहाँ पर भी देखिए रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो ये विल का यहाँ पे वुड हो गया तो विल का वुड हमेशा होगा लेकिन शैल का शुड भी होगा कई बार और कई बार शैल का वुड भी होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर पाँच टेंस में है और रिपोर्टेड तो स्पीच में शैल आया हुआ है तो यहाँ पर देखिए शैल का वुड हो गया तो इस प्रकार से टेंस आपको चेंज करने हैं यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर पाँच टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में शैल है तो यहाँ पर देखिए शैल का वुड हो गया क्योंकि यहाँ पर आई था तो शैल था और यहाँ पर शी है तो शी के साथ विल लगता है शैल नहीं लगता है तो शी के साथ हमें वुड लिखना है उसके बाद एक चीज़ और देखनी है आपको कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में ठीक है मान लीजिए कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसकी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कुड वुड शुड हैड माइट ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है तो इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है ठीक है जैसे इस सेंटेंस को देखिए ही सेड टू मी माई ग्रैंड फादर कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू नहीं कर रखा तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है तो इसको देख लेना एक बार ठीक है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू है यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे टाइपिंग में तो देखिए ही सेड टू मी तो यहाँ पर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और यहाँ पर देखिए कुड लिख रखा है ऑलरेडी पहले ही ठीक है कुड लिख रखा है तो आपको जब इसको इन स्पीच में चेंज करो ना तो इसको आप कुड को कुड ही रहने देना आपको इसमें चेंज नहीं करना है तो ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए ये शब्द कुड वुड शुड हैड माइट ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाए तो इनमें आपको चेंज नहीं करना है कोई कभी आप ये सोचने बैठ जाओ यार इस, इस, इनको किस में चेंज करें ये चेंज नहीं होंगे ये जैसे हैं वैसे ही आपको इनको लिख देना है तो कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैप्पी लर्निंग बाय बाय